तो दोस्तों फिर से मैं लेके आ गई हूँ बिंदास काव्य का इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो ये वाला लुक हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ये जॉय का मॉइस्चराइज़र है, एलोवेरा मॉइस्चराइज़र। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। अगर आप लोग की ऑयली स्किन है तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करता, फेस को मॉइस्चराइज़ करता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करता, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बेस्ट लगता है ऑयली स्किन के लिए। और मेरे कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है गाइस, बट कोई बात नहीं, अभी आप लोग देख लो यही क्या कर सकते हैं। नया फ़ोन तो मैं अभी ले नहीं सकती, बट अभी जो है इसी से बनाना पड़ेगा मुझे। तो अप्लाई कर लिया इसको मैंने अच्छे से। और अगर आप लोग इसको विंटर में अप्लाई करना चाहते हो तो विंटर में भी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन और इसको अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, मतलब एकदम मक्खन के जैसे ब्लेंड होता है गाइस, बहुत अच्छा है ये। तो इसको अप्लाई कर लूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग की ड्राई स्किन है तो आप लोग के लिए ये वाला फाउंडेशन एकदम बेस्ट रहेगा, आपके फेस पे चार चांद लगा देगा। बट अगर आप लोग की ऑयली स्किन है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो ड्राई स्किन वाले इसको ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो इसको अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और आप देखो कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप बार बार बिंदास काव्य का मेकअप लुक क्यों क्रिएट करते हो। ऑफ़ कोर्स यार, व्यूज़ के लिए करती हूँ, बट आप लोग वो भी नहीं देखते हो। आप लोग देखोगे तभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो पाएगा, अभी तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो देखा करो यार, जल्दी जल्दी सारी वीडियोज़ देखा करो, शेयर किया करो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, तभी मेरे को और आइडियाज़ आएंगे वीडियोज़ के लिए। तो ज़रूर बताना कमेंट में। आप देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर लिया इसको अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैंने कंसीलर अप्लाई किया है और अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी मैं। और मेरी आवाज़ आप लोग को गाइस थोड़ी सी लग रही होगी बेकार, बिकॉज मुझे ज़ुकाम हो रखा है। मुझे पता नहीं क्यों यार, बार बार ज़ुकाम हो जाता है और मेरा गला बैठ जाता है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से कंसीलर को भी, और काफ़ी अच्छा ये कंसीलर लगता है मुझे। अगर आप लोग बिगनर हो तो इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही बेस्ट कंसीलर है। सो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया अप्लाई करके, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है और मेरे फेस को हाईलाइट भी कर रहा है। आप देखो कितना डिफरेंस है दोनों आइज़ पर। तो आप देखो मेरे डार्क सर्कल्स को एकदम छुपा दिया, वैसे तो मुझे है नहीं डार्क सर्कल्स ज़्यादा, बट जो भी है थोड़े बहुत वो हाइड हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने फेस को सेट किया था एक कॉम्पैक्ट पाउडर से, मुझे नाम नहीं याद है उसका। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मैं अपने फेस को अच्छे से, यहाँ पे जो भी पाउडर मैंने अप्लाई किया था उसको ब्लेंड कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग अपने फेस की, तो ये ब्राउन शेड से मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, बट कोई बात नहीं, बाद में हम ब्लेंड कर लेंगे उसको अप्लाई करने के बाद। और नोज़ को भी मैं कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करने से आपका फेस जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, शेप में लगता है एकदम। तो कॉन्टोरिंग दो तरीके की होती है, फेस को पतला करने के लिए भी होती है, मोटा करने के लिए भी होती है, दिखाने के लिए, मतलब पतला मोटा तो हो नहीं सकता बट दिख सकता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक ली है पिंक कलर की, और इसको मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि बिंदास काव्य कभी भी कोरल ब्लश अप्लाई नहीं करती, वो हमेशा पिंक ब्लश ही अप्लाई करती हैं। तो मैंने उनका फ़ोटो देखा, तो यहाँ पर मैं पिंक कलर का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ सॉरी, क्योंकि ब्लश मेरे पास था नहीं पिंक कलर का, मेरे पास कोरल कलर का ब्रश है। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक से अप्लाई किया ब्लश, एंड आप देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड भी हो गया फिंगर की हेल्प से। फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है मुझे ऐसा लगता है, ब्रश से अच्छा ब्लेंड होता है। एंड यहाँ पर मैंने लिया है हाईलाइटर, ये सफार का हाईलाइटर है, और इससे मैं हाईलाइट कर लूँगी अपने फेस को। ये वाला हाईलाइटर मुझे बेस्ट लगता है गाइस, मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स ही मैंने यूज़ किए हैं इस वीडियो में आज ज़्यादातर। सो आप देख सकते हो कितना प्यारा ग्लो देता है यार ये फेस पे, मतलब एकदम विद इन काइंड ऑफ ग्लो देता है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अप्लाई कर लिया मैंने अपने चिन पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, चीक्स पे, अच्छा लग रहा है ये, बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिया है आई शेडो, पहले इसकी मेरे को नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, पता नहीं कौन सी आई शेडो पैलेट है, हुडा ब्यूटी की है शायद। तो इसमें से सिल्वर शेड लेके मैं अप्लाई करूँगी अपने आईज़ पे। और आप बिंदास काव्य की फ़ोटो देखोगे तो उसमें आई शेडो बहुत कम ही वो अप्लाई करती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिल्वर शेड अप्लाई किया बहुत थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ये मेबलिन का मस्कारा, और इससे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लैशेज़ पे, और काफ़ी अच्छा मुझे ये मस्कारा लगता है।
सारे ही मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, मैंने बताया आपको। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। आप देख सकते हो मेरे लैशेस पे कितना अच्छा ये वॉल्यूम देता है। 3-4 कोड आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा सा ये लुक देगा। मैंने एक कोड ही अप्लाई किया है और आप देख सकते हो। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 शेड अप्लाई किया है लिपस्टिक का, एक मेहरून मैंने अप्लाई किया था और एक अप्लाई किया है मैंने डार्क पिंक। तो दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई कर लिया और ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। गाइज, आप लोग को ये लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई भी गलती भी हो गई होगी मुझसे वीडियो में तो वो भी कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो गाइज़, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।